दोस्तों जगत गुरु राम भट्टाचार्य चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रख्यात विद्वान कवि और रचनाकार प्रवचनकार और हिंदू धर्म गुरु हैं। जगत गुरु राम भट्टाचार्य जी महाराज जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी का विधि रूप माना जाता है। राम भट्टाचार्य जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। वे इस आधुनिक काल के प्रसिद्ध ज्ञानी वक्ता हैं। आइए जानते हैं राम भट्टाचार्य जी के बारे में और उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में। मित्रों, जगत गुरु स्वामी राम भट्टाचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी 1950 को सांदी खुर जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक सरायु प्राणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता राजदेव मिश्र और उनकी माता का नाम सची देवी जो एक धार्मिक महिला थी। उनके पिताजी की चचेरी बहन मीराबाई की बहुत बड़ी भक्त थी और मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण जी को गिरधर नाम से संबोधित किया करती थी। अतः उन्होंने भी राम भट्टाचार्य जी का नाम गिरधर रखा, इसलिए उनका बचपन का नाम गिरधर ही पड़ गया। मित्रों, 4 वर्ष की अवस्था में राम भट्टाचार्य जी कविताएं करने लगे थे और 8 साल की उम्र में ही भागवत कथा और राम कथा भी करने लगे थे। आश्चर्य की बात यह कि राम भट्टाचार्य जी बचपन से ही नेत्रहीन है और 3 साल की उम्र में ही उनकी आंखों को भगवान ने छीन लिया था। तब से उनकी बुआ ने उनका लालन पालन किया। मैं तो कहते हैं कि 3 साल की उम्र में एक बार राम भट्टाचार्य जी की आंखों में कोई परेशानी आ गई थी, जिससे उनकी बुआ ने आंखों में कोई दवा डाल दी थी, शायद जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। आंखों की चिकित्सा के लिए बालक का परिवार उन्हें सीतापुर, लखनऊ और मुंबई स्थित विभिन्न आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और पश्चिम चिकित्सा के विशेषज्ञों के पास ले गए, परंतु गिरधर के नेत्रों का उपचार न हो सका। गिरधर के पिता मुंबई में कार्यरत थे, अतः उनके प्रारंभिक अध्ययन घर पर पिता की देखरेख में हुआ। दोपहर में उनके पिता उन्हें रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और ब्रज विलास आदि काव्यों के पद सुनाया करते थे। 3 वर्ष की आयु में गिरधर जी ने अवधि में अपनी सर्वप्रथम कविता रची और अपने पिताजी को सुनाई। इस कविता में यशोदा माता एक गोपी को श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उल्हाना दे रही हैं। 7 वर्ष की आयु में गिरधर के पिता ने उन्हें छंद संख्या सहित संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ 60 दिनों में कंठस्थ करा दिया था। दोस्तों, जगत गुरु राम भट्टाचार्य ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं और ना ही बेल लिपि का प्रयोग करते हैं। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर लिपिकों द्वारा अपनी रचनाओं को लिखवाते हैं। स्वयं नेत्रहीन होने के बाद भी स्वामी जी को नेत्रहीन एवं विकलांगों को कष्टों का पता है, इसलिए उन्होंने चित्रकूट में विश्वविद्यालय का पहला आवासीय विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इसमें सभी प्रकार के विकलांग शिक्षा प्राप्त करते हैं। राजकोट गुजरात में महाराज जी के प्रयासों से 100 बिस्तर का जयनाथ अस्पताल और बाल मंदिर ब्लड बैंक आदि संचालित किया जा रहा है।